कोई सला गाता है खेसरिया के बेटी सपनमा में आती है, कोई गाता है खेसरिया के बेबी सपनमा में आती है। अरे बैंच और एक लड़का ने गाया था, मनोज राजा ऐसे ही कुछ था नाम, वो गाया है पवन माँ की बेटी सपनमा में आती है। अरे माधर क्यों जब दूसरा का बीवी बच्चा आपको सपनमा में आती है तो तेरे भी बहन सपनमा में आती हो। करने वाले हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को सला बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसके बारे में आज मैं बात करेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को भी इतना शेयर कीजिए ताकि उस वीडियो से भी ज़्यादा व्यूअर इस वीडियो में चले जाए। देखिए सला जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाते हैं, कोई सला गाता है खेसरिया के बेटी सपनमा में आती है, कोई गाता है खेसरिया के बेबी सपनमा में आती है। अरे बैंच और एक लड़का ने गाया था, मनोज राजा ऐसे ही कुछ था नाम, वो गाया है पवन माँ की बेटी सपनमा में आती है। अरे माधर क्यों जब दूसरा का बीवी बच्चा आपको सपनमा में आती है तो तेरे भी बहन सपनमा में आती होगी। अरे सला मैं तो जानता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री अब बर्बाद हो गया है, तू जितने भी सिंगर है ना सब मिलकर ना छोटा बड़ा सिंगर सला खेसारी लाल यादव भी जितने भी बड़ा सिंगर है ना कोई सला भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ा ही नहीं। माधर चोद वो भी गाया चाची के वाची सपनमा में आती है, चूतिया माधर चोद, समझ गया, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ा ही नहीं। माधर चाक क्या दिमाग में घुस गया, भोजपुरी इंडस्ट्री को साफे बर्बाद कर दिया। मैं सोचते थे भोजपुरी बॉलीवुड का छुएगा मगर अब नहीं, अब ऐसा रहा ही नहीं है क्योंकि उस भोजपुरी में अब कोई मजा ही नहीं है। देखते हैं सला जब मैं यूट्यूब पे जाते हैं तो पूरा सला भोजपुरी का गंदगी फैला हुआ है, पूरा यूट्यूब पे भोजपुरी का गंदगी फैला हुआ है, समझ गया। क्या तेरे सबके दिमाग में चल रहा है, नहीं चल रहा है मेरे तो वो पता नहीं है, तब पर भी मैं आप ही लोग से कह रहे हैं जो भोजपुरी को बर्बाद करने में लगे चुके हैं, ऐसा मत कर क्योंकि बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि कितने मेहनत से भोजपुरी को उतना ऊपर पहुंचाया और वही सब सिंगर सला सब फिर से उस भोजपुरी को नीचे ला रहा है, ये बहुत दुखी की बात है, समझ गया।